मैंने गीत गाया था, कौन सा बेटा? और शायद यही गाया था, और तब से मैंने गाया भी नहीं। अभी तभी तो मुझे ढूंढना पड़ा कि डायरी कौन सी है। सुनिएगा, गीता कुरान को आरती अजान।
बिल्कुल देखकर गुलिस्तान रो पड़े। अगर कोई इंसान मारा जाए तो इंसान रो पड़े। अरे ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ये हिंदू का घर जले तो ये मुसलमान रो पड़े। समझते हैं, वास्तविकता में देखा जाए तो एक कौवा मरता
व्यक्ति की रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो दूसरा गाड़ी वाला बहुत तेज निकल जाता है, कहीं एक्सीडेंट केस मुझ पर ना आ जाए। और जितनी गलियों में महारानी बन के घूम रही है इनकी हालत क्या होगी सुनिएगा। सुनिए सभी राजा को देख देख के हंस रही थी। राजा ने कहा सुंदरी सुंदरी तुम क्यों हंस रही हो? क्यों हंस रही हो? राजा था क्रूर। ओहो क्रूर। सुंदरी ने कहा कि महाराज अगर बताए तो नाराज तो नहीं होगे? नहीं बताओ। सुंदरी ने पूछा महाराज ये बताओ जब भगवान सुंदरता बांट रहे थे तब आप कहां गए थे? राजा को क्रोध आ जाना चाहिए लेकिन क्रोध होता है घोलता हुआ पानी जिसमें व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो महाराज ने बड़े विवेक के साथ काम लिया और कहा कि जिस वक्त भगवान सुंदरता बांट रहे थे सुंदरी उस वक्त तुम सुंदरता की लाइन में लगी थी लेकिन मैं अपना नसीब मांग रहा था और देख आज मेरा नसीब देख कि तेरे जैसी कई सुंदर नारियां मेरे सामने नृत्य कर रही है। गुलाम हुआ करते हैं और हमारे भूपेंद्र भैया ने एक गीत के लिए कहा था मैं उस टुकड़े को जरूर सुनाती हूँ। हाँ एक है वो सुनाई दे रही हूँ बस विराम उसके बाद। क्या बात है क्या बात है साहब सर्विस थोड़ा सा बोलिए थोड़ा सा और बढ़ाना।